आज हम 12th क्लास की विस्तार बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और ये किसने लिखा है? तिशानी दोसी ने। तिशानी दोसी एक इंडियन राइटर थी जो कि बहुत अच्छी डांसर भी थी। तो सबसे पहले, बिफोर यू रीड, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू गो टू। इसमें राइटर क्या कह रही है, अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में जानना है ना, आपके प्लैनेट के बारे में जानना है, तो उसके पास्ट के बारे में जानना है, उसके प्रेजेंट के बारे में जानना है, उसके फ्यूचर के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अंटार्कटिका। आपको अंटार्कटिका जाकर उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता लग सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, बोन व्याज। बोन व्याज क्या होता है कि वो हमें विश कर रही है, हमें क्या बोल रही है? ऑल द बेस्ट बोल रही है। चलिए अब चैप्टर की तरफ जाते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड ए रशियन रिसर्च वेसल। यहाँ पे रशियन रिसर्च वेसल किसे बोला गया है? ये वेसल किसे बोला गया है? एक शिप है जिसका नाम क्या है? एकेडमिक सोकाल्स्की। इस शिप का ये नाम है। अब वो क्या कहती है कि शिप किधर की तरफ जा रही है? अंटार्कटिका की तरफ। और वहां का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है? कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट है और विंडीएस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत सूखा सूखा है, बहुत ज्यादा वहां पे हवाएं चलती हैं। अब राइटर अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि उनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट। माय जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। ये जो 13.09 डिग्री है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, वो बता रही है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। जो ये लॉन्गिट्यूड है 13.09 डिग्री, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मद्रास से। अब वो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता रही है कि कैसे कैसे वो जाती है, वो शिप कहाँ कहाँ से होकर जाती है। इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। टाइम जोन्स क्या होते हैं? हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। इंडिया का अलग है, अंटार्कटिका का अलग था, वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए जाती है। 6 चेक पॉइंट्स। अब चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? जब हम वो शिप एक कंट्री से गुजर जाती है तो एक चेक पॉइंट आता है, दूसरे से गुजर जाती है तो दूसरा आता है, तो वो 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती है। कौन? शिप। 3 वाटर बॉडीज ऑफ वाटर। वाटर बॉडीज ऑफ वाटर मतलब कि वो 3 सी ओशियन जो भी थे वहां के पानी को, समुद्र हुआ, ओशियन हुआ, सी हुआ, उनको वो क्रॉस करती है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को। एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर। इकोस्फेयर क्या होता है? इकोस्फेयर जहाँ पे अलग अलग तरह के जीव वगैरह रहते हों, मतलब कि उन्होंने अलग अलग एनवायरमेंट्स को क्रॉस किया कि कहीं पे जंगल आए और कहीं पे डेजर्ट आया। अब जो राइटर है वो क्या बताती है कि उन्होंने अभी तक 100 घंटे ट्रैवल कर लिए हैं, और वो किस किस से ट्रैवल किया उन्होंने? कार से, एरोप्लेन से और शिप से। अब जब राइटर अंटार्कटिका पहुंच जाती है तो वो सबसे पहले क्या देखती है कि वाइल्ड लैंडस्केप। वाइट लैंडस्केप क्या होता है कि उन्हें ऐसा दिख रहा है कि जो अंटार्कटिका है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। अब उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ महसूस करती है। ब्लू हॉरिजन मतलब कि जहाँ पे ऐसा फील हो रहा हो कि आसमान और धरती मिल रहे हो। फॉलोड अप विद इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। प्रोफाउंड वंडर क्या होता है? प्रोफाउंड मतलब गहरा और वंडर मतलब आश्चर्य। अब उन्हें सबसे पहले फीलिंग तो क्या आती है कि वो बहुत अच्छा रिलैक्स फील करती हैं, फिर उन्हें बहुत गहरा आश्चर्य होते हैं वो सब देखकर। अब राइटर क्या बोलती हैं कि वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास। लैंडमास क्या होता है कि वो सेम धरती पे थे, मतलब उनकी धरती एक ही थी, उनकी जो जमीन थी ना वो सेम थे, मतलब वो एक ही जमीन के थे, दो पार्ट्स। ये अब हम देखेंगे इस मैप में, देखेंगे ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये क्या है? अंटार्कटिका। और ये जो इधर है ये इंडिया है, और ये पूरा एशिया है। पहले ये दोनों सेम थे और उसे हम क्या कहते थे? गंडवाना। कौन? वाना। और उसे हम क्या कहते थे? सुपर कॉन्टिनेंट। और उस सुपर कॉन्टिनेंट में कौन कौन से आते थे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये सारे उसी के पार्ट्स थे। अब हम थोड़ा हिस्ट्री की साइड जाएंगे। 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 650 मिलियन पहले की बात है, जाइंट एमलगमेंट, एक जाइंट एमलगमेंट था वही जो सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, अभी जो हमने इस मैप में डिस्कस किया उसे हम गोंडवाना बोलते हैं, डिड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली एंड अराउंड द प्रेजेंट डे। अब जैसे कि हमने उस मैप में देखा था
जाइंट अमेल्गमेंट मतलब क्या था कि एक बड़ा सा वही जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसे बोलते हैं जो पहले था। कौन कौन थे उसमें? साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, और उसमें अपना इंडिया भी आता था, और एंटार्क्टिका, जो एक ही लैंड पे होते थे उनको बोलते थे। अब क्या है कि अब ऑथर क्या कहती है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमंस हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा। यहाँ पे फ्लोरा किसे बोला गया है? प्लांट्स को। फ्यूना किसे बोला गया है? एनिमल्स को। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड टाइम वेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे द लैंड मास वॉज फोर्स टू स्प्रेड इन टू द कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच वी नो इट। अब जो ऑथर है वो क्या बता रही है कि जो 500 साल बाद फिर क्या हुआ, पहले तो ऑथर ने बताया कि 650 मिलियन पहले की बात थी जब वो गोंडवाना बना था, और फिर 500 साल बाद क्या हुआ कि वहां पे डायनासोर्स गुम हो गए थे, मतलब वहां दिखते ही नहीं थे। अब उस गोंडवाना पे किसने कब्जा कर लिया था? मैमल्स ने। मैमल्स कौन होते हैं? हम इंसान। उन इंसानों ने कब्जा कर लिया था और उनकी वजह से वो कंट्रीज अलग अलग बट गई थी। अब वो गोंडवाना नहीं रहा, एशिया, अंटार्कटिका, ये सब अलग अलग हो गए थे। अब एक ग्लोब की शेप ले ली है जैसे कि हमें पता है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबल बी हेडिंग। अब जो राइटर है वो हमें क्या कह रही है, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है ना तो आपको अंटार्कटिका जाना होगा। ग्रास्प मतलब क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ से कहाँ जा रहे हो, मतलब आपका पास्ट क्या था और आपका फ्यूचर क्या था, आप किधर से आए थे और कहाँ जा रहे हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंसेस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड। कॉर्डिलियन फोल्ड क्या होते हैं कि एक ही चेन ऑफ माउंटेन है, ठीक है। एंड प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन क्या होते हैं कि जब का टाइम लगा लो आप 4.5 मिलियन एगो, मतलब 4.5 मिलियन पहले की बात है, जो ग्रेनाइट शील्ड थी, मतलब जो ग्रेनाइट रॉक्स थे उनके बारे में आपको वहां पता लगेगा, जो ओजोन थी, कार्बन थी, उसके बारे में पता लगेगा। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, एवोल्यूशन एक्सटिंक्शन मतलब, एक्सटिंक्शन तो मतलब क्या होता है, एक्सचेंजेस, एवोल्यूशन जो नए नए बर्ताव आ रहे हैं वहां जाकर आपको पता लगेगा। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग मतलब क्या होता है? अनबिलीवेबल, जिसपे आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 मिलियन में ये चेंजेस कैसे कैसे आई। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जंपिंग अगेंस्ट एशिया, जो इंडिया है वो धीरे धीरे एशिया की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। टू बकल, बकल मतलब फोल्ड हो जाना, अब फोल्ड हो गया इट, उसकी जो क्रस्ट है वो फोल्ड हो गई है और वो क्रस्ट क्या बन गई है? हिमालयाज। और जो साउथ अफ्रीका है वो किधर की तरफ घूम रहा है? नॉर्थ अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका में जाकर मिल रहा है। और जब वो मिल रहा है उस नॉर्थ अमेरिका में, तो एक ड्रैग पैसेज खुल रहा है जिसमें से एक कोल्ड सर्कम पोलर करंट आ रहा है, और जो वो सर्कम पोलर करंट आ रहा है उसकी वजह से जो एंटार्क्टिका है वो वहीं पे वर्ल्ड के बॉटम में यहाँ पे फ्रीज हो गया है, और वो वहीं पे रह गया है वर्ल्ड के बिल्कुल बॉटम में। अब राइटर क्या कहती है, जैसे कि वो एक सन लवर है, तो वो क्या बताती है कि अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका का जो एनवायरनमेंट है वहां पे तो 90% सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और अब वो क्या कहती है कि चिलिंग प्रोस्पेक्ट, चिलिंग प्रोस्पेक्ट मतलब कि उनका ये जो एक्सपीरियंस होगा बहुत खतरनाक होगा, जस्ट नॉट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन। वो क्या कहती है कि ये सिर्फ मेरी सर्कुलेटरी मतलब मेरी फिजिकल बॉडी के लिए ही नहीं, मेरी इमेजिन जो इमेजिनेशन है उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जेंट पिंक पैंक बॉल। इसमें क्या कहती है राइटर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंक पैंक बॉल पे चल रही हूँ। डिवॉर्ड माई ह्यूमन मार्कर्स नो ट्रीज बिल बोर्ड्स बिल्डिंग्स। इसमें राइटर क्या कह रही है कि यहाँ पे ना तो ही कोई पेड़ है ना बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स किसी के हाथ गया है यहाँ पे जो कि नोटिस बोर्ड्स होते हैं, ना ही बिल्डिंग्स है। यू लोज अर्थी सेंस ऑफ प्रस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर, द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइट माइजिस एंड मीट टू ब्लू व्हेल्स। अब वो यहाँ पे क्या कह रही है कि यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा तुम्हें, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़ी सी वेल की तरह, माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, मतलब जो छोटे से छोटी चीज होंगी वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और बड़ी सी बड़ी ब्लू वेल की तरह।
द आइसबर्ग्स एज बिगेस्ट कंट्रीज, जो आइसबर्ग्स हैं वो कैसी लग रही हैं कि एक पूरी कंट्री हो, और जो सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग्स थी वो कौन कैसी थी, वो बेल्जियम साइज की थी। डज डेज गो ऑन एंड गो ऑन इन श्योरियल 24 आवर्स। यहाँ पे श्योरियल का मतलब क्या होता है, सपना, ड्रीम। वो क्या कह रहा है कि तुम यहाँ पे जो एक समर है जो पे 24 आवर्स है, वहां पे क्या रहता है कि हमेशा एक एस्ट्रोल समर लाइट रहती है। एस्ट्रोल क्या होता है, जो साउदर्न लाइट, जो जहाँ पे हमेशा सूरज होता है, अंधेरा नहीं होता, हमेशा रोशनी रहती है। वो कहती है कि वहां पे सिर्फ 24 घंटे तुम्हें एस्ट्रोल लाइट मिलेगी और वो तुम्हें एक सपने की तरह लगेगा। एंड एबिक्यूटियस साइलेंस, एबिक्यूटियस साइलेंस क्या होता है, एबिक्यूटियस मतलब क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा, वहां पे हमेशा तुम्हें साइलेंस मिलेगी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंस, एवलेंस क्या होता है, जब एक बर्फ का पहाड़ होता है ना और उसमें से वो टुकड़ा टूटता है, तो जो वो आवाज है उसे कैल्विन भी बोलते हैं। उस आवाज की वजह से वहां पे बस इंटरप्शन होता है, मतलब उस साइलेंस को वो इंटरप्ट करती है, वो डिस्टर्ब करती है, वो जो बर्फ का एवलेंस होता है। इट्स एन इम्प्रेशन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेस्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर ह्यूमंस एंड प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। अब जो ऑथर है वो क्या कहती है कि ये यही जो चीजें हैं ना, ये आपको मजबूर कर देती हैं कि आप अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ो। और इसमें क्या बताया गया है, उन्होंने क्या बताया है कि इस यहाँ पे आने से हमें क्या पता चलता है कि जो ह्यूमन का आगे का जो फ्यूचर है ना वो अच्छा नहीं है। प्रोग्नोसिस मतलब क्या होता है, आने वाला फ्यूचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड और अ जियोलॉजिकल क्लॉक। ये जो पैलेट्री है, पैलेट्री का मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, मतलब काफी कम। अब इसमें उत्तर क्या बताती है कि हमारा जो ह्यूमन बींग का यहाँ पे टाइम पीरियड है वो बहुत कम रहा है, सिर्फ 12,000 ईयर्स का रहा है, और जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन टाइम पीरियड। लेकिन इसी छोटे से टाइम पीरियड में हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपना रुक्यस, रुक्यस मतलब हंगामा, और एचिंग मतलब प्रिंटिंग, और डोमिनेंस मतलब दबदबा, उन्होंने मतलब नेचर पे इतना दबदबा बना लिया अपना, मतलब प्रिंट कर दिया है और पूरा हंगामा कर दिया है। और जो उन्हें प्रिंटिंग की है वो किस तरीके से की है, जैसे उन्होंने विलेजेस बना दिए हैं, टाउन्स बना दिए, सिटीज बना दिए, मेगा सिटीज बना दी है छोटे से टाइम पीरियड में। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलाइजेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बैटलिंग मतलब क्या होता है, लड़ाई। जैसे कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, हम दूसरी स्पीशीज के साथ लड़ रहे हैं और अपने जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटेड मतलब क्या होता है, विदाउट स्टॉपिंग, और हम बिना रुके वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें जलाते जा रहे हैं, और उनके जलाने की वजह से हमारा एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है। और उस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में कैसा हो गया है कि जैसे तो ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमारे एनवायरनमेंट ने कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर सी कम्बल सा ओढ़ लिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इसकी वजह से क्या हो गया है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आर टाइम। आज के टाइम में जो अपना क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक डिबेट बन चुका है, मतलब उस पर हम एक डिबेट तक कर, और जो कि आज के टाइम का टॉपिक भी होता है डिबेट का, एनवायरनमेंट को लेकर। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट इज डिस्टर्प्टेड, विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। अब क्या कहती है राइटर कि जो अंटार्कटिक आइस है, जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस है, वो क्या सारी मेल्ट हो जाएगी इस एनवायरमेंट के टेम्परेचर की वजह से। विल द गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक बर्फ का वो है पहाड़, उसको बोला जाता है गल्फ स्ट्रीम, वो भी क्या डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, वो भी क्या खत्म हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या अब हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा, मे बी और मे बी नॉट, आइदर वे अंटार्कटिका इज क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। मतलब अब क्या बोला जा रहा है कि क्या पता हो या ना हो, ये तो एक डिबेट का टॉपिक है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन दिस वर्ल्ड
which has never sustained a human population, therefore remain relatively pristine in this respect. Pristine मतलब क्या होता है? Pure. तो अब क्या बोला जा रहा है वहां पे, जो राइटर वो क्या कहना चाह रही है कि जो ये एक एंटार्क्टिका है, इसका एक ही क्रूशियल एलिमेंट बन चुका है कि इस पे हम डिबेट कर सकते हैं. क्रूशियल मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट. अब क्या होता है कि क्या कह रही है राइटर, इट्स द ओनली प्लेस इन दिस वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन. एक एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या वो प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन मतलब प्योर है, बट वो प्योर तो है, बट मोर इम्पोर्टेंटली, पर उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसने क्या होल्ड किया हुआ है, मतलब उसमें क्या क्या है. आइस कोर्स है जो कि हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि आधे मिलियन पुराने हैं, और जो उनके पहाड़ हैं, जो उनकी आइस है, उन लेयर्स के नीचे क्या दबे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. फिर से राइटर बोलती है कि अगर तुम्हें अर्थ के पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका एक राइट जगह है जहां पे तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा. स्टूडेंट ऑन आइस, ये जो राइटर है इनको एक प्रोग्राम करना है स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, स्टूडेंट ऑन आइस. ठीक है, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकास्की. शोकास्की क्या थी, याद होगा आपको, शोकास्की उनकी वेसल थी, वो शिप थी जिसमें उन्होंने ट्रेवल किया था. एम टू डू एग्जैक्टली दिस इज बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. उनका ये एम है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्हें वो एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब एंटार्क्टिका जहाँ पे वर्ल्ड खत्म होता है उन्हें वो दिखाना है, एंड प्रोवाइडिंग उन्हें प्रोवाइड करना है क्या, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प्स देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आर प्लैनेट. और वो उसमें किस में मदद करेंगे उनकी, जब वो ये एंटार्क्टिका जाएंगे तो उनके प्लैनेट की वो रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. अब उधर क्या बताती हैं कि जो ये ऑपरेशन है मतलब जो ये स्टूडेंट ऑन आइस का प्रोग्राम है कब से चल रहा है, 6 years से. नाउ हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन. इसके हेड कौन है, कैनेडियन जियोफ ग्रीन है. वो थक चुके हैं, किन से थक चुके हैं, वो इन सेलिब्रिटीज से, और जो रिटायर्ड रिच थे, जो क्यूरियसिटी सीकर्स थे, मतलब कि जो ये प्रोग्राम था पहले ये सारे लोग करते थे पर ये कुछ नहीं कर पाए, तो अब प्रोग्राम हमारी जो राइटर है वो कर रही है वहां पे. विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्सॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट. अब जो राइटर है वो क्या बता रही है कि जो प्रोग्राम है ये हाई स्कूल के बच्चों के लिए क्यों बनाया गया है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और वो उस चीज को समझ सकते हैं कि अपनी जो लाइफ है वो कैसे चेंज हो रही है, और वो मतलब वो जल्दी से एब्जॉर्व कर लेंगे और वो याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, देख लेंगे कि कैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और वो इस चीज को इन फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं. द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. अब इसमें ऑथर क्या बताती हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल. ये इम्पॉसिबल है साउथ पोल के पास जाना कि वो उन्हें अफेक्टेड ना करे, मतलब अट्रैक्ट ना करे, इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा है. इट्स इजी टू बी ब्लेस. ब्लेस मतलब क्या होता है, बेफिक्र अबाउट पोलर आइस केप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अब ऑथर क्या कह रही है कि ये इजी है, क्या बेफिक्र मतलब ब्लेज, ब्लेज का मतलब अभी जो हमने बताया बेफिक्र. अब बेफिक्र घर में बैठे रहो अपने कंफर्ट जोन में और देखते रहो कि कैसे आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं. बट व्हेन यू कैन सी विजिबल सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस लिप्स कोलैप्सिंग यू बीइंग टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. लेकिन जब आप वहाँ अंटार्कटिका में जाओगे ना तो वो आप जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें आप मेल्ट होते हुए देखोगे ना, जो आइस लिप्स हैं उन्हें कोलैप्स होता हुआ देखोगे ना, तो आप फील कर पाओगे कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर, ये कितना रियल है, कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन. अब जो अंटार्कटिका है, ऑथर क्या बताते हैं, जो अंटार्कटिका है वो उसके दो फीचर्स हैं, एक सिंपल इकोसिस्टम है और वहां पे एक लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है.
लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन वहां पे लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब वहां पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो वो एक परफेक्ट प्लेस है किसके लिए, ये स्टडी करने के लिए। ये रिप्रोकेशन क्या होता है, रिप्रोकेशन मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों का बड़ा बड़ा इफेक्ट, मतलब कि जब एनवायरमेंट में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं तो उनका क्या बड़ा बड़ा इफेक्ट होता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन। अब ऑथर एक हमें एग्जाम्पल बता रहा है कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एक टाइप की ग्रास होती है, चेन ऑफ ग्रास होती है जो कि नरिश करती है और उन्हें बना, सस्टेन मतलब क्या होता है कि उन्हें बनाए रखती है, उनका जो साउदर्न ओशन का फूड चेन होता है उन्हें बरकरार रखती है। दिस सिंगल कॉल्ड प्लांट यूज द सन्स एनर्जी एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करना, कार्बन एंड द सिंथेसाइजेस, सिंथेसाइजेस मतलब क्या होता है, बनाना। ये जो है प्लांट, ये एक सिंगल सेल प्लांट होता है, ये सिर्फ एक ही सेल का प्लांट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वॉन्डरस, और वो उनके लिए खाना बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और ये ग्रास उसी का काम करती है। साइंटिस्ट वॉन दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब साइंटिस्ट ने हमें वॉर्न कर दिया है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाएगी, मतलब एक मेल्ट हो जाएगी। ओजोन लेयर क्या होती है, जो हमें यूवी रेज से बचाती है, वो भी डिप्लीट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वो किसे इफेक्ट करेगी, फाइटोप्लैंक्टन को, विच इन अ टर्न विल इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स कौन होते हैं, जो कि पानी में रहते हैं, और साथ ही साथ बर्ड्स को भी करेगी, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और साथ ही साथ कार्बन साइकिल को भी कर देगी। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर। पैरेबल क्या होता है, पैरेबल होता है स्टोरी। अब जो ये फाइटोप्लैंक्टन की स्टोरी है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि फूड चेन हमारी इसी से चलती है, और ये डिस्टर्ब हुई तो हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। देयर इज अ ग्रेट मेटाफर। अब यहाँ पे जो राइटर है वो हमें बता रहे हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, मतलब हम छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाएंगे, तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, सब अपनी जगह ठीक होगा और हमारा एनवायरमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड ह्यूमन इम्पैक्ट। अब जो है थर्ड आता है, वॉक ऑन द ओशियन। अब राइटर क्या कहती है, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेंसिस, बट द बेस्ट अकर्ड दिस सॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। यहाँ पे एपिफेंसिस का मतलब क्या होता है, रियलाइजेशन, मतलब कि जो उनका एक्सपीरियंस था अभी तक सारा रियल था, बहुत अच्छा था, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन उनके साथ अभी एक और चीज होती है, क्या होती है वो, कि ये जो दिया हुआ है ना 65.55 डिग्री साउथ, ये लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, कहाँ का है, ये एंटार्क्टिक का। द सुकाल्सकी, सुकाल्सकी क्या थी, उनकी जो शिप थी जिसमें वो गई थी, क्या होता है उसमें, द सुकाल्सकी हैड मैनेज टू वेज, वेज मतलब क्या होता है, फंस जाना। वो कहाँ फंस जाती है, एक थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड पे, वो उन दोनों के बीच फंस जाती है जो उनकी शिप होती है। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, द कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। अब कैप्टन क्या डिसाइड करता है, कि हम अपनी शिप को वापस नॉर्थ की साइड ले जाएंगे, बट बिफोर वी डिड, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन एंड गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, एक बोर्ड होता है किसका, लकड़ी का, एंड वॉक ऑन द ओशन। हमें जो कैप्टन है वो क्या कहता है, कि गैंग प्लैंक उठाओ और नीचे ओशियन पे वॉक करो। ओशियन मतलब ओशियन, वहां पे बर्फ होती है तो बर्फ के नीचे तो ओशियन ही होता है। अब राइटर क्या बताते हैं, कि वो टोटल कितने लोग होते हैं, 52 किटेड आउट इन द कॉर्टेक्स एंड क्लेयर्स। किटेड आउट क्या होता है, किटेड आउट होता है उनका जो सारा सामान था, उन्होंने वो सारा सामान उठाया। गॉर्टेक्स क्या होता है, पानी में पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं गॉर्टेक्स। और ग्लेयर तो मतलब लाइट्स, अपनी टॉर्चेस वगैरह हम लेके वहां पे
वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें वहां पे क्या दिखता है, चारों तरफ व्हाइटनेस ही व्हाइटनेस, पूरी सफेद ही सफेद दिखता है। दैट सी मस्ट स्प्रेड आउट फॉर एवर अंडरनीथ आवर फीट वॉज मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। उन्हें क्या दिखता है थोड़ी दूर चलने के बाद कि नीचे की साइड 180 मीटर पे पानी है जिसमें जो सांस ले रहा है और वो बहुत सोल्टी है, मतलब वहां पे लाइफ है। इन द पेरिफेरी कार्बेटर सील वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व ऑन आइस फ्लो मच लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ द रिवेलेशन एवरीथिंग डज इनडीड कनेक्ट। अब यहाँ पे राइटर क्या कह रही है, जो सील्स है जो बर्फ में रहने वाले जानवर है वो क्या कर रहे हैं, वहां पे एक ग्रुप बना के धूप सेक रहे हैं और किसकी तरह। अब यहाँ पे राइटर हमारे आज के मतलब जो हमारी कंट्री है उसके एनवायरमेंट को उस वहां पे एनवायरमेंट में होने वाली चीजों को वहां के एनवायरमेंट में कंपेयर कर रही है। वहां पे क्या कर रहे हैं, जो सील्स हैं धूप सेक रहे हैं ठंड के मारे, और हमारे यहाँ क्या करते हैं जो डॉग्स होते हैं वो बनियन ट्री के नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धूप लगती है, वो शेड के मारे वहां बैठते हैं। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ रिवलेशन एंड एवरीथिंग डज इनडीड कनेक्टेड। अब ऑथर क्या कह रही है कि यहाँ पे सब कुछ रिवील हो रहा था, सब कुछ कनेक्ट हो रहा था कि वहां पे यहाँ पे ये होता है वहां पे वो होता है, ये सब चीजें वो कंपेयर कर रही थी हमारे एनवायरमेंट को और अंटार्कटिका के एनवायरमेंट को। अब वो क्या कहती है, 9 टाइम जोन 6 चेक पॉइंट्स 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर लेटर आई वो स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन इन आवर प्लेनेट। क्या कहती है कि वो मैं ये सब चीजें देखकर, कब देखी उन्होंने ये चीजें, जब उन्होंने 9 टाइम्स जोन पार की है, 6 चेक पॉइंट्स पार किए और 3 वाटर बॉडीज पार की और बहुत सारे इकोस्फेयर पार करने के बाद उन्होंने इस बैलेंस जो ब्यूटी का बैलेंस था वो कैसे बरकरार है, ये चीज वो देखकर आश्चर्य रहा। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वेयर टू बिकम अ वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू विल बी अराउंड टू सी इट एंड वुड वी हैव गोन द वे ऑफ डायनासोर्स मॉनमॉथ्स एंड वुली राइनोस। अब राइटर क्या कहती है कि जब अंटार्कटिका का एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, वो भी वार्म प्लेस हो जाएगी, तो क्या हम भी इसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे कि डायनासोर्स मैमोथ्स और वुली राइनोज हो गए थे। हुज टू से, अब क्या कहते हैं कि ये कौन बता सकता है, ये तो हम नहीं बता सकते। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर हु स्टिल हैव अ आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। लेकिन राइटर क्या कहती हैं, जब उन्होंने उन टीनेजर्स बच्चों के साथ वहां पे 2 week बिताए तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ अब ये बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और मैं कह सकती हूँ कि जो आगे वाले 1 million साल होगा उसमें बहुत चीजें बदल सकती है, बहुत बदलाव आ सकता है। बट वट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। ये था हमारा चैप्टर जो कि हमारी राइटर की पूरी जर्नी थी क्लास 6 से 12 से लेके।